देहरादून में विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण व पीएम श्री विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में पिछले 3 सालों में पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत सरकार की जितनी अपेक्षा हमसे है, उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड सरकार की नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में, धन सिंह रावत जी की विभाग ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किया। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में पिछले 3 साल में मैं निसंदेह कहूं कोई प्रदेश बराबर ध्यान रखता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को जमीन पे उतारने का काम करता है। ये सबसे पहला प्रांत है उत्तराखंड। मैं मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा विभाग को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज जो विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की गई, जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब उन्होंने स्कूल बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस समय उन्होंने विश्व बैंक की सहायता से, उन दिनों में भारत सरकार उनको मदद नहीं किया था, उन्होंने विश्व बैंक को मदद करने के लिए आगे आया, उनकी सहायता से विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की और उसको क्रियान्वयन किया। लेकिन ये एनईपी की पहले की बात है। 2020 में एनईपी लगा और एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोदी जी ने आपके लिए बजटीय प्रबंधन भी किए। आज मैं एनईपी के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का कोई पहला राज्य है विद्या समीक्षा केंद्र में तो उत्तराखंड है। आज उसमें 5,000 स्कूल जुड़े हैं। आगे चल के मैंने उनको कहा है कि मैं अक्टूबर नवंबर में फिर आ जाऊंगा, अक्टूबर में आऊंगा, रविवार आज तक मेरा अपेक्षा रहेगा आपकी विद्या समीक्षा केंद्र में हम प्रदेश की 22,000 स्कूलों को डाटा के साथ जुड़े हुए दिखना चाहेंगे और राज्य की जो 23.5 लाख स्कूली बच्चे हैं, क्लास 1 से लेके 12वीं तक, ये सारे बच्चे उसमें से जुड़े रहेंगे। लगभग 1,22,000 से ज्यादा शिक्षक है, वो भी जुड़े रहेंगे, उनकी डाटा रहेगा। मित्रों, विद्या समीक्षा केंद्र में 2-3 बात मैं आपको उल्लेख करता हूँ। प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस उसमें पता चलेगा, शिक्षकों की अटेंडेंस पता चलेगा, दीक्षा टीवी हो या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था विद्या समीक्षा केंद्र में रहेगा। राज्य की सारे डायट, शिक्षकों की कैपेसिटी बनाने के लिए जो व्यवस्था है वो उसमें से जुड़े रहेंगे। एक प्रकार से स्कूली शिक्षा की 360 डिग्री की जानकारी, 100% जानकारी उस पोर्टल में रहेगा, जिसके कारण मुख्यमंत्री रोज सुबह उठ के, आज मेरे राज्य में बच्चे कितने स्कूल आए हैं, कितने शिक्षक पढ़ाने आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में असेसमेंट में क्या उत्तर हो रहा है, मैंने आगे चल के वो सुदूर नानक मत्ता की एक सीमावर्ती इलाके की स्कूल में 6वीं कक्षा की विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ाई किए हैं उसकी जानकारी उस समीक्षा केंद्र में मिलेगा। मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जहां आज अनेकों ने योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और कई सारी योजनाओं की भविष्य की नींव रखी गई है, उस कार्यक्रम में हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, शिक्षा के मंत्री के नाते जो संपूर्ण देश के अंदर आज तेजी से इन सबको लागू करवाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम, उनको भी मैं आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने
शानदार प्रयास करके भारत सरकार की जितनी हमसे अपेक्षा है उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड राज्य बने, उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें शिक्षा को सदैव ही हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यानी कि संपूर्ण जगत को शिक्षा का सूत्र देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस भूमि ने किया है, भारत भूमि ने किया है। और भारत विश्व गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व को हमेशा से ज्ञान देता रहा है। और आज विद्या समीक्षा केंद्र पीएम श्री योजना का शुभारंभ आपके कर्तव्यों के द्वारा हो गया है। इसके अतिरिक्त आज उच्च शिक्षा से संबंधित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, उसकी राशि को भी हमने पहले 50,000 रुपए किया था प्रोत्साहन राशि, उसको अब 1,00,000 रुपए हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज राज्य में बालिकाओं के लिए जो 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, वह भी हमारा एक अभियान है कि हमारी जो छात्राएं हैं वो आज विद्यालय शिक्षा का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो या अनुसंधान का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में भी वो किसी प्रकार से पीछे न रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम।